सच जरूरी है। यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। राहुल गांधी शनिवार को सौंपेंगे अपना आधिकारिक बंगला। मानहानी के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किए गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को अपने आधिकारिक आवास से अपना सारा सामान ले गए। सूत्रों ने कहा कि वह 22 अप्रैल को 12 तुगलक लेन बंगला लोकसभा सचिवालय को सौंप देंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को मोदी उपनाम से संबंधित मामले में टिप्पणी को लेकर 2 साल की सजा सुनाई गई थी। सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किए जाने के बाद उनसे 22 अप्रैल तक परिसर खाली करने के लिए कहा गया था। कांग्रेस के पूर्व प्रमुख ने 14 अप्रैल को अपने कार्यालय और कुछ निजी सामान को बंगले से स्थानांतरित कर दिया था। सूत्रों ने कहा था कि गांधी ने शुक्रवार को शाम को अपने बचे हुए सामान को उस बंगले से हटा दिया। यह बंगला उन्हें एक सांसद के रूप में आवंटित किया गया था। एक ट्रक को उनके सामान के साथ इमारत से बाहर जाते देखा गया। वह करीब 2 दशक से इस बंगले में रह रहे थे। सूत्रों ने कहा कि अपना कार्यालय बदलने के बाद वह अपने से ही अपनी मां और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ उनके 10 जनपद स्थित आवास पर रहना शुरू कर चुके हैं। सूरत की एक अदालत ने 23 मार्च को गांधी को मानहानी का दोषी ठहराया था और उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद वह सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किए गए थे। उन्होंने सूरत की सत्र अदालत में मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने सजा को रद्द करने की उनकी अपील को खारिज कर दिया था। पार्टी ने कहा है कि सत्र अदालत के आदेश को अगले हफ्ते गुजरात उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। लोकसभा सचिवालय ने अयोग्य ठहराए जाने के अगले दिन राहुल गांधी को नोटिस भेजकर उनसे 22 अप्रैल तक बंगला खाली करने को कहा था। सूत्रों ने कहा कि राहुल गांधी अपना स्वतंत्र कार्यालय स्थापित करने के लिए जगह की तलाश में है। कुछ साल पहले प्रियंका गांधी वाड्रा को भी एसपीजी सुरक्षा कवर हटाए जाने के बाद लोधी स्टेट स्थित बंगला खाली करने के लिए कहा गया था। राहुल गांधी पहली बार 2004 में उत्तर प्रदेश के अमेठी से सांसद चुने गए और 2019 में उन्होंने वायनाड से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अतिक के समर्थन में पटना की मस्जिद के बाहर लगे नारे। गिरिराज बोले, हिम्मत है तो यूपी में लगा के दिखाओ। गैंगस्टर से नेता बने अतिक अहमद के समर्थन में शुक्रवार को पटना जंक्शन के पास एक मस्जिद में जुम्मे की नमाज के बाद नारे लगाए गए। दोपहर को जुम्मे की नमाज के बाद भीड़ ने अतिक को और उसके भाई अशरफ की हत्या को गलत बताते हुए उनके समर्थन में मस्जिद के बाहर नारेबाजी की। अतिक के समर्थन में हुए नारेबाजी के बाद बीजेपी नेता गिरिराज सिंह जी ने कहा कि बिहार जैसे राज्य में ही अतिक के समर्थन में लोग नारे लगा सकते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में ऐसा करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। उन्होंने ट्वीट किया, बिहार में तो वालों की सरकार है अगर हिम्मत तो अतिक के समर्थन में उत्तर प्रदेश में नारा लगाकर दिखाए। नारेबाजी के दौरान लोगों ने अतिक अहमद अमर रहे के नारे लगाए और साथ ही उन्होंने मोदी योगी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए, जिसके बाद बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया। अपराधी कभी शहीद नहीं हो सकता। उन्होंने आगे लिखा, उन कायरों से पूछना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी पुलिस संरक्षण में कैसे मारे गए। कोई अपराधी मारा जा रहा है तो इनका कलेजा फट रहा है और अपराधियों को शहीद का दर्जा देना चाहते हैं तो धिक्कार है इसी सरकार पर। ऐसी सरकार का पतन सुनिश्चित है। गैंगस्टर से नेता बने अतिक अहमद और उसके भाई अशरफ पर निशा शनिवार रात को प्रयागराज में मेडिकल कॉलेज के पास अज्ञात हमलावरों ने गोलीबारी की, जिसमें दोनों की मौत हो गई थी। दोनों को 2005 के उमेश पाल हत्याकांड के सिलसिले में एक अदालत ने सुनवाई के लिए यहां लाया गया था। 13 अप्रैल को झांसी में पुलिस मुठभेड़ में अहमद का बेटा और उसका एक साथी मारा गया था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हे प्रभु महाकाल, कृपया दिग्विजय सिंह जी जैसे देश विरोधी भारत में पैदा न हो। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर पलटवार करते हुए बड़ा हमला किया है। उन्होंने ट्वीट किया है, प्रभु महाकाल, कृपया दिग्विजय सिंह जी जैसे देश विरोधी एवं मध्य प्रदेश के बंटाधार भारत में पैदा न हो। बताते चले कि इससे कुछ दिन पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर राहुल गांधी को घेरा था। दरअसल पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने उज्जैन के एक कार्यक्रम में सिंधिया पर हमला बोला। उन्होंने कहा है
कि हे प्रभु, हे महाकाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में कोई दूसरा पैदा न हो। उन्होंने यह भी कहा कि जब कमलनाथ सरकार को गिराया गया उस वक्त राजा महाराजा भाजपा के हाथों बिक गए। साथ ही यह भी कहा कि सरकार ने महाकाल के दर्शन को व्यवसाय बना दिया है। पहले मुफ्त दर्शन होते थे। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर भी हमला बोलते हुए ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था, स्पष्ट है कि अब आप एक ट्रोल तक सीमित हो चुके हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रही MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।